इट्स योर सिक्स स्टैंडर्ड हिंदी कोर्स बुक आगाज। टुडे वी स्टार्ट योर लेसन नंबर 17 वीरों की पूजा। फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंजा वी रेड, नाउ वी स्टार्ट थर्ड स्टैंजा। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली। अचल होता है एक स्थान पर स्थिर रहता है जो, दुर्ग होता है किला, बैरी होता है शत्रु। निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली। तो इसमें कवि कह रहा है तो अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर, तो तुझे उस चित्तौड़ पर जाना है जो अपने स्थान पर स्थिर रहे। इतना मजबूत दुर्ग जिसकी ललकार सुनकर दुश्मन यानी कि जवान, जो दुश्मन जवान है, सैनिकों की टोली अपना समय न गवाते हुए युद्ध के लिए निकल पड़ती है। जहां आन पर माँ बहनों की जला जलाकर पावन होली। वीर मंडली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली। इन पंक्तियों में कहा गया है कि जहां पर माँ बहनों की बात आती है तो वे अपना सरसर्व मातृभूमि को अर्थात अर्पित कर दे, अपना सब कुछ मातृभूमि को अर्पित कर देती हैं। अब वे अपनी जान बचाने, अपने देश की, अपनी इज्जत, अपनी आन बचाने के लिए, वे अपनी आन बचाने के लिए अग्नि में भस्म हो जाती है, अपने आप को आग में जला लेती है। वीर मंडली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली। इन पंक्तियों में कहा गया है कि कवि कहते कि सन्यासी, मैं उस मंडली में उस स्थान पर जाना चाहता हूँ, उस स्थान को पसंद करता हूँ, उसी को मैं तीर्थ समझता हूँ, और वही वीरों की मंडली भारत माता की जय 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 बोलती है। नेक्स्ट स्टैंजा, सुंदरियों ने जहाँ देश हित जौहर, जौहर होता है जब युद्ध में राजा हार जाता था तो उनकी पत्नियाँ अपने आप को, अपनी आन बचाने के लिए उसी चिता में भस्म हो जाती थी। व्रत करना सीखा स्वतंत्रता के लिए, जहाँ बच्चों ने भी मरना सीखा। इन पंक्तियों में कहा गया है कि रानियाँ जब अपने उनके पति वीरगति को प्राप्त कर लेते थे तो वे भी अपनी बड़ी आग, वे भी बहुत उनकी चलती हुई चिता में अपने आप को कूद लेते थे, वो यानी कि अपनी आहुति दे देते, वो भी उसी चिता में अपने आप को जला लेती थी। आगे इन पंक्तियों में और भी कहा गया है, अपने देश की हित में, अपने देश के हित में और अपने देश के हित में और अपने हित में वे व्रत कर लिया करती थी, हित में अपने प्राणों, यहाँ तक कि वो अपने प्राणों की बलि भी दे देती थी। लास्ट स्टैंजा, वहीं जा रहा पूजा करने लेने सतियों की पद धूल, वहीं हमारा दीप जलेगा वहीं चढ़ेगा माला फूल। इन पंक्तियों में कहा गया है कि कवि कह रहे हैं जैसे मैं वही उसी स्थान पर जा रहा हूँ, वहीं पर मैं अपनी पूजा करना चाहता हूँ, जहाँ पर सत महान सतियाँ हुई हैं उन्हीं सतियों के पैरों की मैं धूल लाना चाहता हूँ, लेने जा रहा हूँ, उसी स्थान पर मैं दीप जलाऊंगा और माला चढ़ाऊंगा, अर्थात मैं भूला नहीं हूँ कि मैंने पूजा कहाँ करनी है और किसको अर्पित करनी है। धन्यवाद।